अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जियाउर रहमान और मेरा नाम है मोहम्मद फैसल असीज। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? और हमारी वीडियो आपको जाहिर बात अच्छी लगी होगी, और पिछली वीडियो भी हमारी जो थी फेवरेट एक्ट्रेस पे पाकिस्तान या बांग्लादेश, उसमें जो ब्यूटी थी वो बांग्लादेश की जीती थी। वैसे तो ओवरऑल मैंने पहली दफा देखा है, लेकिन बांग्लादेशी कमाल है यार, बहुत प्यारी। इसमें एक लड़की थी जन्नतुल फिरदौस। हाँ, और सारी बात है जन्नतुल फिरदौस थी तो फिर वो तो फिर हूर ही होगी ना, वो हूर भी। पाकिस्तानी इन्होंने एक्ट्रेस अच्छी डाली नहीं थी ऐसे, कितनी बहुत सारी पाकिस्तानी की ना, इनके पास मुझे लगता है पिक्चर्स अच्छी नहीं थी। जिसने वीडियो बनाई थी तो वो बांग्लादेशी लग रहा है, बांग्लादेशी। अच्छा, आज जो हमारी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, टिकटॉक गर्ल्स बैटल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और जिसमें मेन नाम है अरिका जन्नत मिर्जा वर्सेस जन्नत जुबैर और रिश्वा खान। ये दोनों इंडियन है और अरिका जन्नत मिर्जा पाकिस्तान की है। अच्छा, तो दोनों का मुकाबला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज्यादा खूबसूरत है। 1 2 3 गो। साला इतने प्यार से झूठ बोलता था ना, कभी लगा ही नहीं झूठ बोलता था। मेरे बाबू ने खाना खाया, मैंने भी नहीं खाया। अच्छा, ओवर एक्टिंग नहीं यार, ये ओवर एक्टिंग। सुनो सर, कभी हमसे भी पूछ लिया करो हाल, कभी हम भी कहें दुआ है आप। हेलो, हाँ क्या है, कहाँ हो? दोस्त के साथ हो? तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो, अगर आज तुम नहीं आए ना तो मुझे भूल जाना। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं। इसका पता है ना? ये सुनकर ना तो मर जाऊं। वो मर गया। क्या देखते हो बटुआ पाया, क्या चाहते हो पैसा तुम्हारा, कहना सकोगे? यार अनीता वैसे प्यारी है ना, ये अच्छी की है। अब नहीं आती टिकटॉक पे? नहीं आती, मुझे इंस्टा पे आती है। अच्छा, कुछ से पाकिस्तान की तकरीबन ओवरऑल इसके पहले नंबर पे है, इसके फॉर नंबर ये दोनों। ये पाकिस्तान का एक चीज है, पाकिस्तानी ज्यादा फॉलो ही इनको करते हैं। ये छोटी है, ये छोटे से कद की है ना, ये शायद उम्र भी छोटी है, 18 साल नहीं 14। इतने प्यार से झूठ बोलता था, उसके झूठ में भी एक सच्चाई थी। बोलता था मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, लेकिन ये है कि इनका भी बहुत ज्यादा फॉर्म कहते हैं कट चुका है। ये क्या है? ये वही जन्नत जुबैर पोस्ट का भाई पीछे। मेरे इस मूवी तो मूवीज में भी आई थी, बेस्ट ऑफ लक निकी में पता नहीं कौन ड्रामा है। नहीं यार, इसका ने जब एंट्री दी थी ना टिकटॉक में, कमाल दावा बहुत यार, यूनिवर्सिटी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती थी यार। ये दोस्त के साथ हो? तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो, अगर आज तुम नहीं आए ना तो मुझे भूल जाना। हां चल ठीक है, बोल गा। अरे सुन, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और को डेट कर रहा है। कौन सा बॉयफ्रेंड? वो मैं तेरे लिए मर जाऊं।
ये लेवल जनम मिर्जा नहीं नहीं जनम मिर्जा ये बंदा रहती कहाँ पे है ये पैसा बंदा नहीं पैसा बाप मिलता है गार्डन का जाना लोन है ना जाने ये जिंदगी का कैसा दौर है अच्छा ना जाने ये जिंदगी का कैसा दौर है इंसान खामोश है ऑनलाइन कितना शोर है जी अच्छा इसने पल को कट मारा हुआ है ये स्टाइल है ये इन्होंने ही चाहती है यार फिर एक और चीज स्टाइल इन्होंने चाहती है सिर्फ आपको प्यार किया है वो यहाँ तो पति लगा रही है सुनो मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना चलो फिर जल्दी से सॉरी बोल दो और बात जी कैसी लगी वीडियो मुझे एक चीज इनमें पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी लगी ओवरऑल मैंने जो देखी है नोट की पाकिस्तानियों की आपने एक चीज नोट की होगी इनके लिबास इनका लिबास ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी ओवरऑल ड्रेसिंग इनकी अच्छी और इससे हम कंपेयर करेंगे इंडियंस का तो उनके जो फॉलोवर्स आए हैं ना फॉलोवर्स उनके बहुत सारे हैं लेकिन उनकी ड्रेसिंग जो है ना वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि वो ड्रेसिंग ओवर थी लेकिन पाकिस्तानियों की ड्रेसिंग फुल थी और जैसे भी है इनकी भी एक्टिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है और एक हक इसमें जितनी भी उसने एक्टिंग की है बहुत कमाल वो कमाल की है यार वो मुझे जन्नत और इशरत थोड़ी छोटी लगी इनका मुकाबला बनता है जन्नत मिर्जा के साथ क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है नहीं इनका मुकाबला इन्होंने इसलिए हासिल किया कि पाकिस्तान की जो टॉप पे हाँ टॉप ये जो पाकिस्तान की टॉप पे रियल टॉप पे बिल्कुल उन्होंने इस तरह इनका कंपैरिजन किया है और उन्होंने फिर हम ये इसमें जो बता रहे हैं रिव्यूज हम यही दे रहे हैं कि कौन हमें अच्छे लगे मेरे नसीब जो है वो पाकिस्तानी उनकी एक्टिंग जो है वो अरिफा की अच्छी थी
और सेकंड नंबर पे उसकी लिबास भी अच्छा था, ठीक उसने एक्टिंग की, एक्टिंग अच्छी की है। लेकिन मुझे मैंने पहले एक बार जनरल मिर्जा जनरल बैग इश्ता खान की वीडियो देखी हुई है ऐसे, तो मुझे जो लगा है मतलब कि उनकी भी वो ना फनी एक्टिंग करती थी, बहुत फनी एक्टिंग करती थी। जो इश्ता खान है ना वो ज़्यादातर इसकी जो टिकटॉक होती है ना वो होती है शेर, वो शायर एक गजल में होती है, कोई ना कोई गजल वगैरह पे इस तरह की, वो सर उसने खुद भी गजलें कही हुई हैं, गजलें पढ़ी हुई हैं इस तरह तो। लेकिन ये है कि ओवरऑल मैं इस टाइम पाकिस्तानी को सपोर्ट करूँगा, मैं तो रिकाब भी आते बहुत प्यारे। अच्छा ये कट का क्या सीन था यार? यार ये कट का ये सीन होता है कि आपने थोड़ा सा ना एक चीज़ डिफरेंट होती है। अच्छा आप जब भी कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना तो आप कोई ना कोई अपनी डिफरेंट चीज़ लाते हैं। अच्छा। अगर आप डिफरेंट चीज़ ला रहे हैं तो आवाम आपको ना फॉलो भी करती है, और आपने जो वो एक नया चीज़ ऐड किया है तो आवाम उसकी तरफ भी जाती है। तो मेरे नज़दीक तो ये कट वगैरह ये इसी उसमें ही था कि उसने कट वगैरह, फिर उसके बाद मैंने देखा था इन्होंने यहाँ पे पट्टियाँ वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी, आवाम जो थी वो उस तरफ चल पड़ी कि वो भी पट्टियाँ लगा के स्टार्ट हो गई। तो ये इसी तरह यह है कि जो नया कंटेंट ले आता है आवाम उसकी तरफ चल पड़ती है। तब तक फिर इजाज़त लेते हैं। हाँ, और हमारे जो आप भी बताएं आपको कौन सी वीडियो कौन सा टिकटॉक ज़्यादा अच्छी लगी है, बिल्कुल व्यूअर्स आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन से हम ये टिकटॉकर अच्छे लगे हैं, इंडियंस अच्छे लगे हैं या पाकिस्तानी अच्छे लगे हैं। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।